कल हमने देखा किस प्रकार से मयादानम और हेमा के बीच में उनकी लव स्टोरी शुरू हुई। कालांतर में दुंदु भी और माया भी दो पुत्रों का जन्म हुआ जो देवताओं से ज्यादा दैत्यों और राक्षसों की ओर ज्यादा प्रभावित हुए। हेमा ने पुत्र की इच्छा से भगवान शिव की उपासना की और शिव जी ने कहा कि बहुत जल्द तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। एक दिन एक बहुत ही वृद्ध और अशक्त ब्राह्मण मयादानव के महल में आए। उस ब्राह्मण को देख करके दोनों मयादानव और हेमा ये दोनों भी सोच रहे थे कि अरे ऐसे तेजस्वी ब्राह्मण को हमने पहले कभी नहीं देखा। मेरी थिम इमिशिएटेड एज अ लैकिंग इन फिजिकल स्ट्रेंथ but oozing drop by drop in spiritual powers. Yes, उसका शरीर इतना तेजस्वी देखते ही पता चलता था ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसके हाथ में बहुत ही नंगी बच्ची भी थी। सो जब मयादानव और हेमा ने उस ब्राह्मण को अपने घर में इनवाइट किया, अपने महल में इनवाइट किया, ब्राह्मण ने आकर के मयादानव और हेमा का आदर आतिथ्य स्वीकार किया। और जब मयादानव ने पूछा आपके आने का प्रयोजन क्या है, तो उस ब्राह्मण ने कहा कि मैं ये एक स्त्री रत्न या कन्या रत्न आपको देने आया हूं, इसे रखिए अपने पास और अपनी बेटी के जैसा इसे संभालो, आगे जाकर के ये एक बहुत महान स्त्री बनेगी और आपका भी नाम रोशन करेगी। ऐसा कह करके वो ब्राह्मण चले गए। मयादानव बहुत प्रसन्न थे लेकिन एक्चुअल हर्ष हो रहा था हेमा को, क्योंकि हेमा जानती थी उसने तपस्या की थी और शिव जी के वरदान का यह स्वरूप था। हेमा ने अपनी पूरी जिंदगी में जितना भी अच्छे सद्गुण सद्लक्षण व्यवहार तपस्या जितने कमाए हैं वो सब इस बेटी की परवरिश में डाल दिए। उन्होंने इस सुंदर कन्या रत्न का नाम रखा मंदोदरी। मंद उदरी जिसका पेट या उदर बहुत ही मुलायम है। ये दोनों जानते थे कि ब्राह्मण के वचनों के कारण ये एक ऐसी स्त्री बनने वाली है जिसका नाम संपूर्ण त्रिजगतों में विख्यात होगा। और उस ब्राह्मण ने यह भी कहा था कि सारे सबसे पवित्र सतियों में इस स्त्री का नाम आएगा, इस बेटी तुम्हारी बेटी का नाम आएगा। सो हेमा बिगैन टू रेज मंदोदरी विद अटमोस्ट केयर। समय बीतते गए, लगभग दो दशक बीत गए और मंदोदरी वॉज ऑफ द मैरिजेबल एज। कालांतर में जब रावण का प्रपोजल आया मयादानव के पास में मंदोदरी के लिए और जब मयादानव ने फाइनली हाँ की तो हेमा न्यू दैट मंदोदरी विल हैव टू लिव अ लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस। अपने जीवन में उसे बहुत कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे क्योंकि वो बड़ी एक तरीके से है और रावण तो असुरों का राजा है। सो शी विल हैव टू फेस लॉट ऑफ इंटरनल बैटल्स, ये हेमा को पता था। लेकिन हेमा भी इतनी आश्वस्त थी कि मैंने अपनी बेटी को ऐसे तैयार किया है कि जिंदगी के किसी भी मोड़ पर, किसी भी क्षण पर, किसी भी प्रकार की टेस्ट के लिए मेरी बेटी तैयार है। शादी के बाद हेमा अपनी बेटी मंदोदरी से फिर कभी नहीं मिली, लेकिन शादी के बाद दुंदु भी और मायावी ये दोनों रावण के पास काम करने लगे। और रावण ने अपने पत्नी के भाई जो भी उन्हें बोलते हैं उनका इतने अच्छी तरीके से आदर आतिथ्य किया, ऐसे उनको सम्मान दिया, पोजीशंस दिए कि अब दुंदु भी और मायावी दोनों की भौतिक इच्छाएं अर्थात शारीरिक इच्छाएं और मानसिक इच्छाएं
ये बहुत ही डिसप्रोपोर्शनेटली बढ़ रही है। वो होता है किसी सिंपल आदमी को बहुत बड़े पद पर रख दो तो उसका गुरूर ज्यादा ही बढ़ जाता है। तो वैसे धुंधुभी और मायावी का हो गया, और धुंधुभी और मायावी दोनों से मंदोदरी के कुशल क्षेम की खबर हेमा को पहुंचती रहती थी। ऑल्दो दे वर सेइंग कि वो क्षेम कुशल है, बट हेमा हैड हर ओन कंसर्न्स, क्योंकि रावण और धुंधुभी और मायावी तीनों एक ही थाली के चटकी पट्टे हैं, बट मंदोदरी इज समवन डिफरेंट, और ये हेमा जानती थी। बट मंदोदरी भी ऐसी थी, जो है जैसे है सब अच्छा है। सो हेमा का जीवन प्रैक्टिकली, हालांकि शी वॉज कंसर्न फॉर माया दानव एंड शी वॉज कंसर्न फॉर धुंधुभी एंड मायावी, लेकिन एक तरीके से हेमा का जो जीवन है वो अभी एक साचे में, एक रेगुलरिटी में ढल गया। जैसे शादी होने के बाद में, एक दो बच्चे होने के बाद, जब बच्चे दोनों स्कूल जाने लगते हैं तो एक स्त्री का जीवन फिर रूटीन हो जाता है। उठना है, टिफिन बनाना है, पति और बच्चों को देना है, उसके बाद में घर की साफ सफाई, कपड़े धोना, दोपहर का लंच, शाम के लिए जो भी कुछ प्रिपरेशन, घर में आटा दाल कुछ कम हो गया वो लेके आओ, तो ही सब्जी लेके आओ, ये सारी चीज़ें। सो लाइफ इन अ नटशेल बिकम्स रूटीन, हेमा का भी वैसे ही है। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उस एक दिन ने हेमा के सुखों के पारावार को पूरा चकनाचूर कर दिया। कौन सा वो दिन था और उस दिन क्या हुआ, ये हम देखेंगे हमारी कल की कथा में। हमारे साथ रहिए। हरे कृष्ण।